आज हम ठोस अवस्था भौतिकी में क्रिस्टल ज्यामिति का पहला भाग देखेंगे। प्राचीन काल से ही मानव को क्रिस्टल आकर्षित करते रहे हैं, लेकिन एक बहुत बड़े लंबे समय तक, काफ़ी मतलब समझिए कि 19वीं सदी तक पूरे, बड़ी मात्रा में ठोस पदार्थों को अक्रिस्टलीय ही समझा गया, क्योंकि उनकी क्रिस्टल संरचना बाहर से दिखाई नहीं देती थी। लेकिन जब मॉडर्न फिजिक्स का उदय हुआ तो ठोस पदार्थों की आंतरिक संरचना के बारे में जानकारी प्राप्त हुई, तब पता लगा कि अधिकांश ठोस क्रिस्टलीय हैं और बहुत कम ठोस पदार्थ की प्रकृति में ऐसे हैं जो अक्रिस्टलीय हैं। मसलन धातु, मिश्र धातु, रॉक, सॉइल, इनमें से अधिकांश पूर्ण अथवा आंशिक रूप से क्रिस्टलीय होते हैं। तो क्रिस्टलीय पदार्थों की जो पहचान है, सबसे पहले एक्सरे विवर्तन द्वारा विश्वसनीय तरीके से की गई, और सर्वप्रथम 1912 के अंदर लावे ने एक्सरे रिफ्लेक्शन पैटर्न का खोज किया। एक्सरे डिफ्रेक्शन डिफ्रेक्शन पैटर्न से ये पता लगाया कि क्रिस्टल की आंतरिक संरचना क्या है, और ये सिद्ध किया कि क्रिस्टल की एक निश्चित आंतरिक संरचना होती है। और उसके साथ ही उन्होंने ये भी सिद्ध कर दिया कि एक्स किरणों की तरंग प्रकृति होती है। अब हम जानते हैं कि सभी तरह के पदार्थ जो हैं वो परमाणुओं से मिलकर बने होते हैं, और मुख्यतः परमाणु पदार्थ जो है वो तीन भागों में बांटे जाते हैं, ठोस, द्रव व गैस। ठोस जो हैं उनको हम वापस दो तरह से बांटते हैं, एक है एक अक्रिस्टलीय, इसको अमॉर्फस भी बोलते हैं, अमॉर्फस और क्रिस्टली। क्रिस्टलाइन सभी ठोसों के अंदर कुछ कॉमन गुण होते हैं, जिसमें से एक है इनकम्प्रेसिबिलिटी। इनकम्प्रेसिबिलिटी का मतलब हुआ असंपीड़िता, उसको आसानी से दबाया नहीं जा सकता। दूसरा है रिजिडिटी, दृढ़ता। तीसरा है मैकेनिकल स्ट्रेंथ। मतलब यांत्रिक प्रबलता। ये तीन गुण प्रत्येक क्रिस्टल के अंदर पाए जाते हैं। तो ऐसे ठोस जिसकी कोई आंतरिक संरचना, निश्चित संरचना नहीं है, निश्चित कोई आंतरिक व्यवस्था नहीं है, उनको हम अक्रिस्टलीय ठोस कहते हैं। तो अक्रिस्टलीय ठोस वो हुए जिनकी जिनके परमाणुओं की, क्योंकि हर प्रत्येक पदार्थ परमाणु से बना है, तो अक्रिस्टलीय अगर है, अक्रिस्टलीय निश्चित संरचना नहीं है परमाणु, जबकि क्रिस्टली है, तो अगर क्रिस्टली ठोस है तो उसके परमाणुओं की एक निश्चित संरचना होगी। यानी परमाणु एक निश्चित संरचना के अंदर बने हुए होंगे। उदाहरण के लिए अक्रिस्टली की बात करते हैं, तो उदाहरण अक्रिस्टली पदार्थों का अगर देना चाहे तो रबर, प्लास्टिक, पाउडर, ग्लास, इसके विपरीत अगर अपन को क्रिस्टली पदार्थों का उदाहरण देना है तो बहुत सारे हैं, मसलन नमक NaCl, देन कॉपर सल्फेट CuSO4, एलम, कैल्साइट, डायमंड, ये सभी क्रिस्टलीय पदार्थों के उदाहरण हैं।
क्रिस्टल ठोस में प्रत्येक परमाणु के चारों ओर अन्य परमाणु से निश्चित दूरी और निश्चित कोणीय स्थिति में एक निश्चित बिंदु पर परमाणु होता है। तो निष्कोणीय क्रिस्टल के अंदर क्या हो, अगर कोई एक परमाणु है तो वो उसके आसपास जितने दूसरे परमाणु हैं उनसे एक निश्चित दूरी होगी और साथ साथ में वो एक निश्चित कोणीय एंगल लिए बना हुआ होगा। अर्थात इसका मतलब ये कह सकते हैं जो क्रिस्टल ठोस है वो परमाणु के आवृत व्यवस्था में होते हैं, पीरियोडिक अरेंजमेंट है क्रिस्टल के अंदर। पीरियोडिक अरेंजमेंट और पीरियोडिक अरेंजमेंट का मतलब ये कि वो रिपीट होते हैं। जैसे एक सिंपल सा उदाहरण देते हैं, मान लीजिए कि अगर यहाँ एक पॉइंट है, एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ, तो ये जो सारे पॉइंट्स हैं अगर किसी एक पॉइंट की बात करें इस फिगर में थोड़ा सा गड़बड़ है या डिस्टेंसेस एक्जैक्ट नहीं है, लेकिन अगर अपन अगर एक क्रिस्टल होगा तो यहाँ से यहाँ की दूरी, यहाँ से यहाँ की दूरी, यहाँ से यहाँ की दूरी और यहाँ से यहाँ की दूरी, ये चारों बराबर होगी। ठीक इसी तरीके से यहाँ से यहाँ की दूरी, यहाँ से यहाँ की दूरी, यहाँ से यहाँ, ये तो एक और इनका एंगल भी हर जगह सेम रहेगा। अगर हम यही चीज़ इस परमाणु की बजाय इस परमाणु से देखें तो भी वही रहेगा, अगर इससे देखें तो भी वही रहेगा, इससे देखें तो भी वही रहेगा। तो इस प्रकार ये हुआ, ये कह सकते हैं कि भाई क्रिस्टल की सभी दिशाओं में तो उसके अवयवी परमाणु की आवृत्ता और नियमितता, तो यह नियमितता सभी दिशाओं में कई हजार परमाणु तक होती है। वैसा नहीं दो चार परमाणु इसी तरह से हो, कई हजार परमाणु इसी तरह से क्रम में बने होंगे, कुछ कुछ में तो 10^7 परमाणु या उससे भी अधिक परमाणु इसी तरह की आवृत व्यवस्था में होते हैं। इस प्रकार इस क्रिस्टल के किसी एक परमाणु के चारों ओर अन्य परमाणु का क्रम ठीक उसी प्रकार का रहेगा, और सामान्यतया दो क्रमागत परमाणुओं के बीच की दूरी, मतलब यहाँ पर और इन दोनों के बीच की, जैसे या इन दोनों के बीच की दूरी, इसका जो ऑर्डर होता है वो होता है 1 एंगस्ट्रॉम, यानी कि इनके बीच की दूरी करीब करीब 1 एंगस्ट्रॉम की रेंज का होता है, उसकी कोटि वो होती है। और यही एक्स किरणों की भी कोटि है, एक्स किरण की तरंग दैर्ध्य की कोटि भी वही है। तो जो लैम्डा एक्स किरणों का है उसका ऑर्डर और जो दो क्रमागत परमाणु के बीच की दूरी का ऑर्डर सेम है, इसलिए इसके अंदर एक्सरे विवर्तन कार्य करता है। तो साधारण विवर्तन ग्रेटिंग जो होती है, अपन सिंपल प्लेन डिफ्रेक्शन ग्रेटिंग आप जो यूज़ करते हो, प्लेन डिफ्रेक्शन ग्रेटिंग से हम क्या करते हैं, लाइट की वेवलेंथ निकाल सकते हैं लैम्डा, क्योंकि प्लेन डिफ्रेक्शन ग्रेटिंग जो होती है उसके बीच का जो ग्रेटिंग अंतराल होता है वो होता है करीब करीब 10^-4 cm, यानी 10,000 एंगस्ट्रॉम के बाद। और चूँकि लाइट की जो तरंग दैर्ध्य है वो भी करीब करीब इसी रेंज की होती है, तो हम इससे लाइट की तरंग दैर्ध्य ज्ञात कर सकते हैं। लेकिन एक्स किरण की तरंग दैर्ध्य चूँकि 1 एंगस्ट्रॉम की कोटि की है और इनके बीच की परमाणु की दूरी भी उसी है, इसलिए उतनी ही होती है, इसलिए हम एक्सरे विवर्तन के द्वारा क्रिस्टल स्ट्रक्चर की एक बहुत अच्छी सी जानकारी ले सकते हैं। दूसरा, एक क्रिस्टल जो होते हैं ठोस, क्रिस्टली ठोस, उनका एक निश्चित गलनांक होता है। ये एक बहुत बड़ा डिफरेंस है कि क्रिस्टली ठोस जो होते हैं और अक्रिस्टली ठोस हैं, इन दोनों के अंदर डिफरेंस है। क्रिस्टली ठोस सबसे पहले और अक्रिस्टली ठोस, क्रिस्टली ठोस का सबसे पहला पॉइंट सभी परमाणु एक क्रम में व्यवस्थित हैं, सभी परमाणु एक क्रम में व्यवस्थित, इसके अंदर परमाणु की कोई निश्चित व्यवस्था नहीं है। निश्चित व्यवस्था नहीं, उदाहरण मैंने आपको दे दिया, क्रिस्टली ठोस के अंदर नमक NaCl, NaCl, CuSO4, एलम,
मेटल, कई सारी वस्तुएं हैं, और इसके अंदर पाउडर, प्लास्टिक, रबर, ग्लास, क्रिस्टली पदार्थों का एक निश्चित गलनांक होता है, निश्चित गलनांक। और निश्चित गलनांक से क्या मतलब होता है, तो इसका निश्चित गलनांक नहीं होता है। तो निश्चित गलनांक से क्या मतलब है, किसको कहेंगे निश्चित गलनांक, क्या है निश्चित गलनांक का मतलब? ये है कि एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर वो पिघल जाता है। अब जैसे अपन उदाहरण ले रहे कि एक कांच है जो कि अक्रिस्टली ठोस है, जब हम उसको गर्म करते हैं तो वो डायरेक्ट नहीं पिघलता, वो पहले सॉफ्ट होता है, और अगर ढलान होगी तो वो सतह पे धीरे धीरे एक उच्च श्यामता वाले द्रव की तरह बहने लगेगा, लेकिन एकदम से द्रव अवस्था में नहीं आएगा। जबकि क्रिस्टली जो ठोस होगा तो वो तुरंत ही, जैसे बर्फ है तो वो तुरंत पिघल जाएगा, एक निश्चित टेम्परेचर के ऊपर पिघल जाएगा। इसके अलावा क्रिस्टली ठोस के अंदर एक और गुण होता है, वो है क्रिस्टली के अंदर विषम देशिक होते हैं, ये तीसरा पॉइंट है, ये विषम देशिक विषम देशिक से क्या मतलब है, एनिसोट्रोपिक है, ये एनिसोट्रोपिक। और ये समदेशिक होते हैं, विषम देशिक से क्या मतलब है और समदेशिक से क्या मतलब है? विषम देशिक वो हैं जिनके भौतिक गुण जैसे कि उष्मिक चालकता, विद्युत चालकता, अपवर्तनांक, यांत्रिक प्रबलता, ये भिन्न भिन्न दिशाओं में भिन्न भिन्न होते हैं। तो इसके क्या होते हैं जो गुण हैं, मसलन विद्युत चालकता, अपवर्तनांक, यांत्रिक प्रबलता, भिन्न भिन्न दिशाओं में भिन्न भिन्न होते हैं। तो इसको हम बोलेंगे अनिसोट्रोपिक, जबकि आइसोट्रोपिक क्या होगी कि ये सारे गुण जो हैं, ये सभी गुण दिशा पर निर्भर नहीं करते। अब हम देखते हैं ये क्रिस्टल लैटिस क्या है, क्रिस्टल लैटिस या जालक। क्रिस्टल लैटिस या जालक, क्रिस्टल लैटिस। तो प्रत्येक क्रिस्टल है उसकी एक त्रिविमीय लैटिस होती है, और त्रिविमीय इसका मतलब है प्रत्येक क्रिस्टल के परमाणुओं को एक नियमित और आवृत त्रिविमीय क्रम से मिला हुआ अपन मान सकते हैं, कि त्रिविमीय क्रम से मिलकर बना है। तो वैज्ञानिक एक ब्रेविस थे, उन्होंने क्रिस्टल संरचना को ज्यामितीय रूप से लैटिस द्वारा व्यक्त किया। तो अपन एक सिंपल लैटिस की बात करते हैं सबसे पहले, एक टू डायमेंशनल लैटिस। तो लैटिस होता क्या है, सबसे पहले कि स्पेस के अंदर ये बिंदुओं का एक क्रम है जिसमें किन्हीं भी दो बिंदुओं के चारों ओर का वातावरण एक सा रहता है। मसलन अब एक उदाहरण से बताता हूँ मैं आपको, कुछ पॉइंट अपन बना लेते हैं, ए
ये जो पॉइंट आप देख रहे हैं। अब इसके अंदर जैसे आपने कहा कि भाई स्पेस के अंदर बिंदुओं का एक क्रम है, तो ये बिंदुओं का एक क्रम हो गया। अब इस बिंदुओं के क्रम के अंदर किसी भी दो बिंदुओं के चारों ओर का वातावरण एक सा रहेगा, तो हम कोई से भी दो बिंदु ले सकते हैं, किसी भी एक बिंदु को मूल बिंदु मान सकते हैं। तो मान लो कि हम एक किसी बिंदु को मूल बिंदु मान लेते हैं, इस बिंदु को मान लो कि मूल बिंदु मान लिया, ओ हो गया। तो यहाँ से इस डायरेक्शन में ए मान लिया, यहाँ से यहाँ तक का जो है वो डिस्टेंस है ए, स्मॉल ए, और यहाँ से इधर का जो है वो है बी। तो यहाँ से इधर बी और ये यहाँ पर बी है। अब अगर मान लो कि हमको इस बिंदु के बारे में पता करना है, तो इस बिंदु को हम कैसे लेंगे, यहाँ से एक ये बिंदु मान लो पी है, इसका हमको पता लगाना है कि ये बिंदु का पोजीशन क्या है। तो इसका जो वेक्टर होगा उसको अपन बताएंगे, यहाँ पर ए से 2a और यहाँ पर 2b, तो 2a प्लस 2b। तो ये जो रिप्रेजेंटेशन है, अब ये रिप्रेजेंटेशन से हम a और b फिक्स है, तो ये जो डिस्टेंस है यहाँ से अगर शुरू करेंगे तो ये यहाँ आएगा, यहाँ से शुरू करेंगे तो ये यहाँ जाएगा, और इधर की तरफ ये दोनों डायमेंशन के अंदर ही सेम रहेगा, और इसके आधार पर हम किसी भी तीसरे बिंदु की पोजीशन ज्ञात कर सकते हैं। और ये जो ए और बी है इनको हम बोलते हैं यूनिट वेक्टर्स या प्रिमिटिव वेक्टर, आद्य वेक्टर या एकांक वेक्टर भी इनको बोलते हैं। तो लैटिस में किसी भी बिंदु को अपन ओ को मूल बिंदु मान लेते हैं, तो किसी अन्य लैटिस बिंदु की स्थिति हम एक ट्रांसलेशन वेक्टर टी इक्वल टू एन वन ए प्लस एन टू बी के द्वारा ज्ञात कर सकते हैं, जहाँ एन वन व एन टू पूर्णांक हैं। अभी आपने देखा 2 प्लस 2 आया। अगर कोई दूसरा बिंदु लेते हैं, मान लो कि इस बिंदु को यहाँ से हम ये बिंदु लेते हैं Q, तो यहाँ से अब क्या हो जाएगा, 1 2 3 A के 3 हो जाएंगे, इसके 2 होंगे, तो इस केस में T के लिए ट्रांसलेशन वेक्टर हो जाएगा 3A प्लस 2B, और इन जनरल अपन कह सकते हैं कि Q भी N1A प्लस N2B, ये 2 डायमेंशन के लिए। ठीक इसी तरह से अगर 3 डायमेंशन के अंदर है आपने अपने पास में, अगर 3 डायमेंशन है, तो अपन एक 3 डायमेंशन का भी एक्सपेरिमेंट करते हैं, देख लेते हैं। ये देखिए इस तरीके से बिंदु बना देते हैं अपन, ये 2 डायमेंशन बना। इसके बाद तीसरे डायमेंशन बनाने के लिए हमको एक अलग एक्सिस इधर लेनी पड़ेगी, तो अगर यहाँ से हम देखें तो एक एक्सिस इधर हुआ, एक इधर हुआ और एक इस तरफ हुआ, ये अपना मिल बिंदु मूल बिंदु होगा, इधर की तरफ ए बी और ये सी, यहाँ ए यूनिट वेक्टर, बी यूनिट वेक्टर, सी यूनिट वेक्टर, और जो एंगल होगा उसको ए और बी के इसके बीच के एंगल को बोलेंगे गामा, बी और सी के बीच के एंगल को बोलेंगे अल्फा, सी और ए के बीच को एंगल को बोलेंगे बीटा। और इससे अब यूनिट वेक्टर बन सकता है बिल्कुल, तो यूनिट वेक्टर कैसा बनेगा, जिसके लिए यहाँ बना के रखा था हमने आपको, तो ये यूनिट वेक्टर से हमारी एक स्मॉलेस्ट यूनिट बन गई। तो 3 डायमेंशन के अंदर वो एक क्यूब बन जाएगा, अगर हमने क्यूबिक लिया है तो, अगर क्यूबिक लैटिस नहीं होगी तो शेप चेंज हो जाएगी। तो 3 डायमेंशन के अंदर जब हम इसको किसी एक बिंदु का अगर अपन को पोजीशन एग्जैक्ट ज्ञात करना है मूल बिंदु के सापेक्ष, तो जिस तरह से यहाँ पर 2a प्लस 2b हुआ था, यहाँ पर ट्रांसलेशन वेक्टर हो जाएगा t इक्वल टू n1a प्लस n2b प्लस n3c, जहाँ पर a b c 3 अलग अलग यूनिट वेक्टर्स हैं जो a x y और z डायरेक्शन के अंदर है, और अगेन n1 n2 व n3 पूर्णांक हैं।